बाकी तो ये आपका सिलेबस कॉपी ना करता, अगर आप इसी फोटो कॉपी करवाएंगे उसमें अलग ही आपका साइन आ जाएगा कि आपका ये नोट्स है जिसके पीछे आपने ये वाटरमार्क दिया होगा। क्लियर? अब ला लेंगे वाटरमार्क, किसी कोई डाउट हो कुछ तो पूछ लो। देखिए अभी आपने यहाँ से वाटरमार्क के ड्रॉप डाउन ऐड क्लिक किया, अपन कस्टम वाटरमार्क क्लिक करते हैं, आपने पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक किया। अब अपन चलते हैं यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर पे और ब्राउज पे क्लिक करते हैं। अब जैसे अपन इसमें यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर का लोगो, आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक किया, अभी इसमें क्या सिलेक्ट है ऑटो, आपने इसको अप्लाई कर दिया, इस पर क्लिक हटा देते हैं फिर अप्लाई करते हैं। देखिए इस टाइप से आ रहा ऑटो है, इस टाइप से आ रहा। अगर आप अभी इसको यहाँ पे कर देंगे 500% फिर आप अप्लाई करना तो ये इस टाइप से बड़ा होने लगेगा। अगर आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 200% फिर आप अप्लाई करते हैं तो वो इस टाइप से आएगा। आप ज़्यादातर जब वाटरमार्क लाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, उन्होंने स्केल का साइज आपको तो यहाँ पे दिया हुआ, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अभी यहाँ पे है 500%, आपने यहाँ पे लिख दिया 550 लिखो, अब आप यहाँ से अप्लाई कर दो वो अप्लाई हो जाएगा। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब आपको जैसे लाना है यहाँ पे हमें लाना है 250 और हमने इसको अप्लाई कर दिया तो ये किस में आएगा 250 में। उन्होंने तो आपको स्केल का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनमें से कोई सा सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से नहीं लाना, आपको लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल आप ऑटो रखना और अप्लाई कर देना। देखो ये सही आ रहा है नॉर्मल ऑटो में, ये लोगो यहाँ पे सही आ रहा है, इसी टाइप से लाएंगे आप ऑटो में, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको इसका स्केल अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो आप टाइप कर देना, और सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर लेना। अब वो तो जब आप सेट करेंगे तो आपको समझ में जाएगा कितना परसेंट रखने पे वो सही से सेट हो जाएगा। और कोई डाउट है किसी का तो पूछ लीजिए सर। नहीं आप अपन इस वाटरमार्क को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन रहता है इसमें पेज कलर। आप पेज कलर से ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करना, आप इसमें जो भी पेज कलर यहाँ पे लेना चाहते हैं आप इसमें पेज कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, उस पर क्लिक कर लेना तो वो पेज कलर यहाँ पे सब में अप्लाई हो जाएगा। जो भी पेज कलर आप इसमें यहाँ पे देना चाहते हैं ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करके आप इसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर पेज कलर आपको नहीं करना आप नो कलर पे क्लिक कर देना तो वो पेज कलर यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। इसमें ऑप्शन मिलता है मोर कलर, इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें स्टैंडर्ड या कस्टम जो भी कलर फिल करना चाहते हैं ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी कलर लेना चाहते हैं सिलेक्ट करना और ओके पे क्लिक कर देना, वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। फिर इसमें आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फिल इफेक्ट, ये तो आप अप्लाई कर लेंगे जो भी कलर आप इसमें देना चाहते हैं। आप यहाँ से फिल इफेक्ट पे क्लिक करना, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन आपके सामने हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन देता है आपको वन कलर लेना है, दो कलर लेना है या प्रीसेट। ठीक है, अगर आप प्रीसेट पे क्लिक करते हैं इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी अपन लेते हैं यहाँ पे वन कलर। ठीक है, अपन वन कलर लिया आपने, अब आप इसमें कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना, आपने कलर ले लिया ये, अब आप इसको डार्क रखना चाहते हैं कि लाइट करना चाहते हैं आप यहाँ से इसमें सिलेक्ट कर लेना, आपको डार्क रखना है कि लाइट, आपने इसको कर दिया डार्क, अब आप इसको भी करना। देखिए इस टाइप से यहाँ पे फिल हुआ, इस टाइप से आपका ये कलर यहाँ पे फिल हो गया। आपने कलर क्या सिलेक्ट किया था इसमें वन कलर। ठीक है, अगर आप दो कलर लेते हैं इसमें दो कलर के लिए ऑप्शन दे रहा है, पहले अपन इसको यहाँ से कर देते हैं नॉर्मल व्हाइट, आपने इसको व्हाइट किया, अब आपने वन कलर पे क्लिक किया, अब आप कलर यही सिलेक्ट रहने दिया अपने, अब आपने इसको यहाँ पे ये डार्क या लाइट की प्रीव्यू बता रहा है कौन सा ले रहा है, वो नॉर्मल व्हाइट भी ले रहा है जबकि आपने सिलेक्ट क्या किया वन कलर। अब आप इसे ओके करो, देखिए दोनों कलर मिक्स करके दे रहा। अगर आपको वन कलर ही अप्लाई करना है आप उसमें यहीं से डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेना, इसमें क्या होगा नॉर्मल एक कलर ही आपका आ जाएगा। फिर जब आप यहाँ से फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे इसमें ऑप्शन है दो कलर, अगर आप दो कलर लेना चाहते हैं एक कलर आप इसमें सिलेक्ट करना एक कलर आप इसमें सिलेक्ट करना, ये अब दो कलर है। अब आप इन दोनों को किस टाइप से यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, डायगोनल अप डाउन, फ्रॉम कॉर्नर या सेंटर, यहाँ से आप इसमें सिलेक्ट कर लेना। आपने सिलेक्ट किया, अब आपको ये चाहिए ये चाहिए, सैंपल यहाँ बता रहा दोनों बता रहा है, एक में क्या है ये जो फर्स्ट वाला कलर है वो सेंटर में आ रहा है और सेकंड कलर नॉर्मल आ रहा है, सेकंड में क्या है जो आपका सेकंड कलर है वो सेंटर में आ रहा है और वो नॉर्मल आ रहा है। अब आप किस टाइप से लेना चाहते हैं सिलेक्ट करना और ओके कर देना, वो इस टाइप से यहाँ पे पेज पे कलर फिल हो जाएगा। फिर इसमें ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है प्रीसेट, अगर आप प्रीसेट पे क्लिक करते हैं प्रीसेट कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे,
आप इससे ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करना, आप तो लेट सनसेट चाहिए, नाइट फॉल चाहिए, जो भी आप यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए बने हुए आप जो भी आप इसमें से यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये ऑप्शन आप अप्लाई कर लेंगे जिस भी टाइप से आपको लेना हो। और आप यहाँ से देखिए, अब आपको चाहे बताओ इनमें से आपको कौन सा वाला यहाँ पे लेना है, सैंपल आपको ये मैं बता रहा है, सिलेक्ट करना, ओके कर देना, इस टाइप से यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। तो इसे और लेना है, आप यहाँ से फिल इफेक्ट पे क्लिक करना। अब आप जो भी इसमें यहाँ पे लेना चाहते हैं, अपन ने यहाँ पे ले लिया, आपने इसे सिलेक्ट किया, ओके कर देना, वो इस टाइप से यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें ही आपको फिल इफेक्ट में नेक्स्ट ऑप्शन ये तो हो गया आपने यहाँ पे ग्रेडियंट का, नेक्स्ट रहता है टेक्सचर। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वन कलर लेने पे भी यहाँ पे ये दो कलर ही क्यों दे रहा था, आ रहा होगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग देखेंगे ऊपर नाम क्या लिखा है, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट कलर आप सबने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा कलर से मिलके बनता है। उसने तो आपको ऑप्शन दे दिया, आप इसमें एक कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं, सेकेंड कलर वो आपको यहाँ पे ब्लैक दे रहा है। अगर आपको ब्लैक नहीं चाहिए, आप इसमें जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया व्हाइट, अब आपने वन कलर पे क्लिक किया, अब आपने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं उसने यहाँ पे कर दिया व्हाइट। इस टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने क्या, अगर आप इसमें नॉर्मल सिलेक्ट कर रहे हैं व्हाइट पूरे में व्हाइट आ जाए, क्योंकि आपने सेकंड वाले में व्हाइट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ग्रेडियंट कलर, और अगर आपने सेकंड में कुछ सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ वन में ही सिलेक्ट कर रहा है, तो वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे ब्लैक कलर दे देता है, अभी तक दे रहा हूँ ऑटोमेटिकली ब्लैक। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका टेक्सचर। टेक्सचर आपके पहले से बने रहते हैं, अब जो भी टेक्सचर आप पेज पे फिल करना चाहते हैं क्लिक करना और ओके कर देना, वो टेक्सचर इस टाइप से पेज पे फिल हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है पैटर्न, अब आप इसमें पैटर्न फिल करना चाहते हैं, पैटर्न भी आपको पता है पहले से बने रहते हैं, कलर अपन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करना और सैंपल आपको यहाँ बता रहा है, ओके पे क्लिक कर देना, वो पैटर्न यहाँ पे फिल हो जाएगा। और इसमें ही आपका फोर्थ ऑप्शन रहता है पिक्चर, आपको पिक्चर फिल करना है, पिक्चर भी क्लिक करना, सिलेक्ट पिक्चर पे आप क्लिक करना, ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन आप सिलेक्ट कर लेना। अपन ऑफलाइन पिक्चर के लिए ब्राउज पे क्लिक करते हैं, पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, और आप इसे यहाँ से ओके कर देना, वो इस टाइप से पिक्चर पेज पे आ जाएगी। अब एक ही पिक्चर रिपीट क्यों हो रही, क्योंकि पिक्चर का साइज छोटा है, तो वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। जो भी पिक्चर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लेना, ऑनलाइन ले लेते हैं वही से। ऐसे ओके कर देना, इस टाइप से पिक्चर आपकी यहाँ पे पेज पे आ जाएगी। ठीक है, और नॉर्मल करना है तो यहाँ से नो पे क्लिक कर देना, तो पूरी पेज आपका यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है इतना ऑप्शन। फिर लास्ट है यहाँ पे पेज बॉर्डर, आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, इस टाइप से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें पेज बॉर्डर कौन से लेना चाहते हैं, नन मतलब कोई से नहीं, देखिए प्रीव्यू में बता रहा हूँ कोई से बॉर्डर नहीं, बॉक्स में लेना चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे, शेडो में लेना चाहते हैं, 3D में लेना चाहते हैं, कस्टम में, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अपन ने ले लिया यहाँ पे बॉक्स, अब बॉक्स में आप बॉर्डर की स्टाइल क्या लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जैसे अपन ने ले ली ये। इसमें आपको कलर लेना है, यहाँ से आप इसमें कलर सिलेक्ट कर लेना, जो भी कलर आप इसमें यहाँ पे लेना चाहते हैं। इसकी विथ आप क्या सेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसमें विथ सिलेक्ट कर लेंगे, देन आप इसे यहाँ पे ओके कर दें, तो वो पेज पे इस टाइप से बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे कोई और जैसे शेडो में लेना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करना, ओके कर देना, ये बॉर्डर आपकी शेडो में आ जाएगी। अब बताइए डिफरेंस क्या है बॉक्स में और शेडो में, बोलिए, दोनों का प्रीव्यू बता दिया ना, डिफरेंस क्या है। देखिए नीचे बता रहा हूँ, यहाँ पे शेडो सो रहा, देखिए, और अगर आप यहाँ पे इसमें सिलेक्ट करते हैं बॉक्स पे फिर ओके करेंगे, देखिए अब इसमें नीचे शेडो सो नहीं हो रहा, क्लियर है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर लेना, 3D में लेना है तो आप इस पर क्लिक करना और ओके कर देना, फिर ये इस टाइप से आपकी 3D में आने लगी। आप लोग अप्लाई करके देख लेना जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहो। फिर इसमें ही आपको ऑप्शन मिल रहा है आर्ट, आप इससे ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करना, इसमें से अगर आप कोई सा आर्ट यहाँ पे लेना चाहो आप सिलेक्ट करना, इस टाइप से आपको यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगी, प्रीव्यू यहाँ बता रहा है, ओके कर देना, फिर इस टाइप की बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगी अगर आप आर्ट में देना चाहते हैं। क्लियर,
अब आपका ये डिजाइन टाइप कंप्लीट हो गया। किसी में